हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉली लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। जैसा कि न्यू ईयर 2021 स्टार्ट हो चुका है और इस न्यू ईयर में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कैरेट की एक बहुत ही अच्छी रेसिपी। न्यू ईयर का मौका है तो मैंने सोचा कि न्यू ईयर में सबसे पहले कुछ मीठा से शुरू किया जाए, तो इसलिए मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसका नाम कैरेट स्नो डिलाइट। तो चलते हैं किचन में और देखते हैं कैरेट स्नो डिलाइट की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, कैरेट स्नो डिलाइट बनाने के लिए सबसे पहले हम कैरेट को अच्छी तरह से छिलकर उसे धो लेंगे। तो ये मेरे करीब 3 कैरेट हैं और मैंने लिया है कोकोनट पाउडर 1/2 कटोरी और कॉर्नफ्लोर 1/2 कटोरी। आप कॉर्नफ्लोर की जगह अगर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर ही लिया है। और लिया है 1/2 कटोरी शुगर, और ये हैं 2 छोटी इलायची। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कैरेट को हम एक पैन में उसे अच्छी तरह से बॉईल करेंगे। तो मैंने पैन में कैरेट को डाल लिया और इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो वाटर हम उतना ही ऐड करेंगे जिससे हमारी कैरेट वाटर में पूरी अच्छी तरह से डूब रहे हैं। तो ये देखिए, मैंने वाटर ऐड कर दिया है। अब हम इसे गैस पे चढ़ा देंगे कुक होने के लिए। तो गैस का फ्लेम हम हाई टू मीडियम में रखेंगे और इसे हम करीब 10 मिनट तक पकने देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे कैरेट अच्छी तरह से पक गए हैं। इसे मैं आपको अभी कट करके देखूंगी। ये देखिए, ये इजीली कट हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। और ये रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही टेस्टी है। तो अगर आप भी गाजर का हलवा खा के बोर हो चुके हैं तो अपने घर में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। और इसमें जो बचे हुए पानी है इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसका भी हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कैरेट और कैरेट के पानी को अलग कर दिया है। तो ये देखिए, ये रहा इसका पानी, इसका भी हम अभी यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले कैरेट और कैरेट के पानी को अच्छी तरह से हम ठंडा कर लेंगे। ये देखिए, इसे अच्छे से अलग करना है, इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं रहना चाहिए। अब हम मिक्सर ग्राइंडर में सबसे पहले हम अपने शुगर को अच्छी तरह से पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए, मेरा शुगर पाउडर तैयार हो चुका है। ये देखिए, फाइन पाउडर बनाना है। अब हम इसी जार में अपने कैरेट को भी अच्छी तरह से पेस्ट बना लेंगे। तो मैंने सारे कैरेट को एक ही बार में अच्छे से इसे पीस कर पेस्ट बना लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी तरह से पेस्ट बना है, एकदम स्मूथ और सिल्की लग रहा है देखने में। तो इसी तरह का पेस्ट तैयार करना है, ना ज़्यादा पतला रहे ना ज़्यादा थिक। और अब हम जो हमारा कैरेट का उबला हुआ पानी बचा था उसमें हम 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, हमारा कॉर्नफ्लोर और कैरेट का बॉयल पानी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे सारे चीज़ तैयार हो गए हैं। ये कैरेट का पेस्ट और ये शुगर पाउडर और ये कॉर्नफ्लोर का घोल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और पैन को बिल्कुल ही गर्म नहीं करेंगे, गैस पे नहीं चढ़ाएंगे। सबसे पहले उसे गैस पे चढ़ाने से पहले हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लेंगे। तो हमारा जो पेस्ट है पहले हम उसे डालेंगे और उसमें फिर शुगर पाउडर डालेंगे। आप चाहे तो बिना शुगर को पाउडर किए भी डाल सकते हैं, बट उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप इस तरह से शुगर पाउडर कर देंगे तो ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, आपस में मिल जाएंगे।
तो ये सब काम हमें गैस पे बिना चढ़ाए करना है, क्योंकि गैस पे चढ़ा के करने पर हमारा पेस्ट जल सकता है, इसलिए इसे पहले मिला ले सभी चीज़ों को अच्छे से, उसके बाद ही गैस पे कुक होने दें। तो अब हम ये कॉर्नफ्लोर का भी घोल डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा एक भी लम्स ना बने, ये अच्छी तरह से तीनों चीज़ मिक्स हो जाए। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा तीनों चीज़ अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे गैस पे धीमी आंच पे पकाएंगे और काफ़ी टाइम नहीं लगेगा, करीब 5 से 6 मिनट में ये अच्छी तरह से पक जाएगा, जेली फॉर्म में आ जाएगा। तो ये देखिए ये अच्छे से पकने लगा है, इसमें बॉईल आ चुका है। तो इसे हम कंटिन्यू चलाएंगे, इसे छोड़ेंगे नहीं। तो फ्रेंड्स कैरेट में हम जब कॉर्नफ्लोर डालते हैं तो उसका कलर थोड़ा सा डल हो जाता है, तो उसका कलर मेंटेन करने के लिए मैंने थोड़ा सा एकदम एक चुटकी फूड कलर डाला है, रेड कलर। तो आप इसे डालेंगे तो इससे कैरेट का कलर अच्छी तरह से आएगा और देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इस स्टेज पे जब मेरा जेली फॉर्म तैयार हो चुका है तो मैं इलायची को उसके दाने को क्रश करके डाल दूँगी। और ये देखिए ये मेरा लगभग तैयार हो गया है। इस टाइम अब हम गैस को कर देंगे ऑफ और इसे 2 मिनट और इसे अच्छे से हम चला के और इस तरह से कंटिन्यू 2 मिनट ऐसे ठंडा कर देंगे पहले। और अब मैं 3 कटोरी ली हूँ, इसको मैं ऑयल से या फिर घी से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। तो मैंने यहाँ घी का यूज़ किया है, घी से अच्छे से मैंने कटोरी को ग्रीस कर लिया है। और अब इसमें मैं ये कैरेट के मिक्स को डाल के इसे अच्छी तरह से बराबर करके ठंडा कर लूँगी पूरा अच्छे से। तो फ्रेंड्स ठंड का मौसम है और न्यू ईयर है, साथ में ही मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे कैरेट आ रहे हैं, तो ये रेसिपी बनाना तो बनता है। तो आप लोग भी अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अब मैं इस कटोरी को जब ठंडा हो जाएगा ये मिक्स, तब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी करीब 3 से 4 घंटे के लिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए 3 से 4 घंटा हो चुका है और हमारा कैरेट स्नो डिलाइट काफ़ी अच्छी तरह से तैयार हो चुका है ये जेली फॉर्म में। तो पहले हम हल्के हल्के हाथों से इस तरह से अपने डिलाइट्स को, कैरेट डिलाइट्स को छुड़ा लेंगे अच्छी तरह से पहले इसके किनारे को, उसके बाद हम सभी को पहले किनारे छुड़ा लेंगे ये देखिए इस तरह से। और फिर अब हम एक ट्रे में से पलट लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह से मैंने एक को पलट लिया है और अब हम दूसरा भी पलटेंगे ये देखिए। और किनारे छुड़ाने के बाद बस कटोरी को पलट के टैप कर देना 2-3 बार, ये ऑटोमेटिक छोड़ देगा। और ये देखिए कितना स्मूथी और कितना सिल्की शाइनी दिख रहा है, तो खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा, एकदम जेली फॉर्म में आ चुका है बिना बिना जेलेटिन का। तो पहले अब हम कोकोनट के पाउडर में इसे हम कोट करेंगे। अगर आपके पास कोकोनट का पाउडर नहीं है तो आप सूखे कोकोनट का ब्राउन पार्ट अलग करके मिक्सर में पीस ले, तो उससे भी आपका कोकोनट पाउडर मिल जाएगा। तो ये देखिए मैं अच्छे तरह से इसे कोट कर दूँगी। तो मेरी कटोरी हो गई थी छोटी, उसमें हो नहीं रहा था तो मैंने प्लेट में ट्रांसफ़र किया है। तो ये देखिए ये कोट हो चुका है। तो इस तरह से मैं अपने दूसरे स्नो डिलाइट्स को भी कोट कर रही हूँ कोकोनट पाउडर में। और ये देखिए मेरा कोकोनट पाउडर से कितना प्यारा लग रहा देखने में। और मैंने इस तरह से बीटरूट से या फिर आप कोई भी फ्रूट से डेकोरेट कर सकते हैं, तो मैंने बीटरूट से ही डेकोरेट किया है। तो ये देखिए हमारा स्नो डिलाइट बनके तैयार हो गया है, कैरेट स्नो डिलाइट काफ़ी अच्छा है। और ये देखिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, काफ़ी स्मूथली कट हुआ, खाने में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा फ्लेवर था। आप लोग भी प्लीज़ अपने घर में ट्राई करना।
ये देखिए मैं आपको एक बार और कट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए काफ़ी ही खूबसूरत है देखने में कलर भी, और खाने में भी बहुत ही टेस्ट। तो फ्रेंड्स, कैरेट स्नो डिलाइट की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर ली है ना, एकदम यूनिक और मज़ेदार रेसिपी। तो इसे तो इस मौके पे घर में बनाना तो बनता ही है, तो प्लीज़ आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक बताना कि ये रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, फिर आपसे मिलूंगी अच्छे से नए से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।